अस्सलाम वालेकुम, नया दिन नया व्लॉग। हम आपको ले आए हैं गरम चश्मा। पहले हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा क्लिप, उसके बाद दिखाते हैं रास्ता जो हमारा बीच का सफ़र था, और फिर गरम चश्मा की पूरी डिटेल। हाँ, वो गरम वाला जो कमरा कह रहे हैं ना, ये मैंने वीडियो में देखा था, जिसके मुझे पानी दे रहा है, वही मैं कह रही हूँ ना, उधर चलते हैं। चलो जी, थोड़ा सा तो हमने आपको नज़ारा करा दिया है गरम चश्मा वाली साइड कैसी थी, लेकिन उस वक्त रास्ते में जाते हुए हमने जो कुछ देखा वो तो ज़रूरी है ना आपको दिखाना। आप वो देखेंगे कि वो रास्ता कैसा था। कई दफ़ा पगडंडी टाइप रास्ता आ जाता था, कई दफ़ा कारपेटेड सड़क आ जाती थी। वैसे कारपेटेड सड़क इस तरफ कम ही नज़र आई, हम ऑफ ट्रैक ही रहे, ऑफ रोड ही रहे, लेकिन सड़क ऐसी थी जिस पर हम आराम से सफ़र कर रहे थे। इस पर वो जो कुमराट वाले झटके थे वैसे हमें नहीं पड़े, और हम थे भी कोस्टर में। जिस तरह मैंने पहली वीडियो में कहा था कि अगर आपको ड्राइवर बहुत अच्छा मिल जाए तो आपका सफ़र बहुत अच्छा गुजरता है, तो कासिम भाई इतने अच्छे थे कि ऐसी ऐसी जगह से लेके गुजर गए कि हम हैरानी से बस उनकी शक्ल ही देखते रह गए। एक लकड़ी का पुल तो मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा कि उसको क्रॉस करने से पहले वो उतरे, उतर के उसकी सारी देखी कि वो कैसे बिल्ड हुआ है। नीचे से उसका पूरा देखने के बाद, ऑब्ज़र्व करने के बाद, उन्होंने फ़ौरन गाड़ी में बैठ के उस पर चढ़ाई डाल दी अपनी गाड़ी की, और हैरानकुन तरीके से विद इन सेकेंड्स हम उसको क्रॉस कर गए। तो मैंने उनको बड़े शौक से देख के उसके बाद थम्स अप किया कि भाई बड़ी बात है। सो ड्राइवर अच्छा मिलना बहुत ज़रूरी है, और ड्राइवर का इखलाक वाला होना तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मज़ा हमें इसलिए रहा कि हमारा ड्राइवर अच्छा था, जो हमें चीज़ों में गाइड भी कर रहा था और हमें चीज़ें दिखाते हुए खुशी का इजहार भी कर रहा था। ठीक है जनाब, ये सारा रास्ता है। थोड़ा सा म्यूज़िक लगाते हैं, रास्ते को देखें, और उसके बाद हम आपको डायरेक्ट गर्म चश्मा लेके चलते हैं। ले जनाब, फाइनली आपने रास्ते का थोड़ा सा सफ़र देखा। जाहिर सी बात है, हम आपको सारा नहीं दिखा सकते, लेकिन जो आपने देखा सारा सफ़र तकरीबन ऐसा ही था। साहिल के घर रुके थे, अब फाइनली आपको नज़र आ जाएगा जनाब गरम चश्मा का बोर्ड भी और खुश आमदीद भी। तो जनाब ये निकल रहे हैं बिल्कुल छोटी सड़क, और ये सारा आपके सामने आ गया गरम चश्मा का एरिया। ये देखें, गरम चश्मा का ब्राउन बोर्ड लगा हुआ था। अब हम आपको दिखाते हैं गरम चश्मा। उन्हें लगता है कि बहुत बड़ा चश्मा होगा, यहाँ बिल्कुल छोटा सा पत्थरों और चट्टानों के बीच में से छोटा सा एरिया था जिसमें से वो गर्म तरीन पानी निकल रहा था। उस गर्म तरीन पानी को यहाँ स्टोर कर रहे थे। स्टोर करने के बाद नीचे ये मस्जिद थी जहाँ पर उन्होंने बाकायदा पाइप्स के थ्रू सारा अरेंजमेंट किया हुआ था। जिन लोगों का बीपी का इशू है, शुगर का इशू है, कोई स्किन प्रॉब्लम है, कोई वेट का प्रॉब्लम है, यहाँ सीढ़ियों से नीचे उतर के उन्होंने प्रॉपर अपना एक तरह का रिजर्वॉयर बनाया हुआ है। ऊपर से सारा चश्मे से जो पानी आ रहा है उसको इकट्ठा करके इसमें जमा कर रहे हैं। इसको देखें, जब बच्चे हाथ भी लगा रहे हैं तो ये बहुत गर्म है, ठीक है, ज़्यादा देर तक वो इसके अंदर अपना हाथ नहीं रख सकते। पीछे से जो जगह बनी हुई है वो इन लोगों ने ही अरेंज की है ताकि पाइप्स के थ्रू पानी आए। ये पानी आगे इन जगहों से गुजरते हुए इनके डिफरेंट वॉशरूम्स बने हुए हैं उनमें जाता है। फ़ायदा ये है कि जो लोग आते हैं वो तकरीबन 20 से 25 मिनट्स उन एरियाज़ में बैठते हैं उस गर्म पानी में। अच्छा, इस गर्म पानी के मकसद पीछे क्या है, मतलब बेसिकली गर्म पानी क्यों है? सल्फ़र डिपॉजिट्स हैं पीछे कहीं पहाड़ों में, उनकी वजह से पानी गर्म आता है, और ये पानी शफा के लिए लोग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट पाइप्स हैं, चार तरह के डिफरेंट पाइप्स का इस्तेमाल हो रहा था। ये जो मैं आपके सामने हूँ ये देखें, इसकी डिटेल आपको बताते हैं। ये एक्सट्रीम वाला, ये जो है ना ये नॉर्मल है, इवन ये भी नॉर्मल है, ये वाला है ना ये एक्सट्रीम गर्म है, ठीक है, इसको हम हाथ लगा सकते हैं। ये वाला वो है जिसको हम ये देखें आराम से, लेकिन ये और ये फुल गर्म है, और ये वो है जिससे हम आराम से पूरा कर सकते हैं, तो ये मुँह भी खोल लेते हैं।
वही कहना ये नॉर्मल है, मतलब जिससे कहते हैं ना कोसा कोसा टाइप, ये वो है, ये एक्सट्रीम गर्म है ऊपर वाला, ये भी गर्म है, चारों गर्म है, ये सबसे ज्यादा जो नॉर्मल है ना वो ये वाला पानी है जिसको आप हाथ वगैरह लगा सकते हैं। अच्छा, अब पिक्चर्स तो साथ साथ चल रही हैं लेकिन आपको डिटेल बतानी बहुत ज़रूरी है। डिटेल ये है कि जब हम गर्म चश्मा गए, जहां हम लोग ये खड़े हैं ना, इसके पीछे वो छोटा सा पॉइंट था जहां से पानी निकल रहा था, ठीक है। उस पानी का मैंने आपको बताया, ये जहां पे हम खड़े हुए इसके पीछे से पानी निकल रहा है, यहां जमा हो रहा है। ये हम सारे अपने हाथ वगैरह इसलिए धो रहे थे कि चलो अगर इससे कोई शफा मिलती है सल्फर के डिपॉजिट की वजह से, चलो देख लेते हैं। ये चप्पल कबाब और नान थे जो वहां से ख़रीदे गए थे, फरजाना की फैमिली ने ख़रीदे थे सबके लिए और सब ने खाए थे। ये वहाँ के डोनट्स हैं जो बहुत मशहूर हैं, 10 रुपये का एक डोनट होता है, ये सब ने खाए थे। युरबीला ख़रीद के लाई थी, सो बड़ा मज़ा आया। हर किसी ने, मज़े की बात है, कुछ ना कुछ ला के ख़रीद के सबको खिलाया, बड़ा मज़ा कराया। किसी ने फ्रूट खिलाया, किसी ने कोक पिलाई, किसी ने खाना खिलाया, मतलब बड़ा मज़ा आता रहा साथ साथ। अब गर्म चश्मा का ये है कि सल्फर डिपॉज़िट जो पहाड़ के अंदर है, वहाँ की वजह से पानी बहुत गर्म आता है, वो इतना शदीद गर्म होता है कि उसमें आप हाथ रख नहीं सकते। और एक बंदा जो पेशावर साइड से आया हुआ था, उसने इसका इतना सुना हुआ था कि उसने अपना जो चिकन था वो बना के वो लेके आया हुआ था, मतलब गोश्त करवा के, उसको उसने प्लास्टिक के शॉपर के अंदर पानी गर्म रख के चिकन को अंदर डाल दिया था। जिस जगह हम बैठे हैं, इस जगह के पीछे जो है वो एक कमरा है जिसमें सीमेंट की स्लैब्स हैं और उनके नीचे से पानी बहता है। सर्दियों में जो तबलीगी जमात के मौलवी हज़रात हैं वो यहाँ आते हैं, स्टे करते हैं, सोते हैं, और देखा जाए तो ये सारी मस्जिद जो क्रिएट की हुई है और सब कुछ, ये उन्होंने इतने अच्छे तरीके से सिस्टम चलाया हुआ है कि वो लोगों को ख़ुद बताते हैं कि ये क्या सिस्टम है और कैसे। साइड पे जो वॉशरूम्स हैं वहाँ नहाने का प्रॉपर एरिया बना हुआ है, 50 रुपीज़ वो लेते हैं अगर कोई नहाना चाहता है तो, उसको वो रोकते नहीं हैं, उसको बताते हैं, प्रोसीजर सारा बताते हैं। वहाँ से लोग नहा के जाते हैं और शफा लेने के लिए इस जगह पर बहुत आते हैं। तो जो लोग दूर से ये सोच के आते हैं कि बहुत बड़ा चश्मा होगा, वो अपने जहन में रखें कि चश्मा ऐसा नहीं होता। ये देखें जनाब, ढेर सारे डोनट्स, ये हम सब ने खाए थे, ये आपको दिखा रहे हैं हम कि ये कैसे हैं, खाने में हर टेस्टी। लाहौर में अगर आप डोनट्स देके बेचना शुरू करें तो वो आपको माशाल्लाह अच्छे खासे पैसे लगते हैं। ये जनाब हमारा वापसी का सफ़र, ये तो लोहे का ब्रिज था। इससे पहले मैंने आपको ये वीडियो के बीच में ही एक तरफ दिखाया था कि जहाँ वो वाला पुल आया था, जिससे मैं ड्राइवर से बड़ी इम्प्रेस हुई थी। अब हम वापस जा रहे हैं गर्म चश्मा से, वापस चित्राल जाते हुए हमने रास्ते में दरिया के साइड पे स्टे किया था, वहाँ चप्पल कबाब और नान खाए थे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाते हैं। अब जो आप सफ़र देख रहे हैं वो आप फिर म्यूज़िक के साथ देखें, इंजॉय करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान पाइंदाबाद। Thank you.
म्यूज़िक तो लगा लिया था लेकिन बीच में एक चीज़ बताना भूल गई, मैंने सोचा वही डिस्कस कर ली जाए। हमने रस्ते में जी एक बारात आते देखी। मज़े की बात है कि दूल्हा ड्राइव कर रहा था, दुल्हन साथ बैठी थी। अक्सर हमारे भी यहाँ ऐसा ही है, लेकिन जो अच्छी बात सुनने को मिली वहाँ वो ये थी कि लड़का ज़्यादा ख़र्चा अफोर्ड करता है इस शादी का। फिर जिस जगह पे हमने चित्राल में स्टे किया हुआ था वो तेशमीर व्यू होटल था, तो वहाँ हमें जाके पता चला कि यहाँ पे जो फैमिली ने स्टे किया हुआ है, ये देखें आपके सामने बारात वाली गाड़ी आ रही है, खूबसूरत तरीके से उनके अपने स्टाइल में उन्होंने सेट की हुई है। तो वहाँ जो बारात वाले लोग स्टे किए हुए थे, पता चला जी कि नेक्स्ट डे यहाँ पे जो है शादी है। तो ऐसे ही किसी ने पूछा कि अच्छा जी हम सारे इनवाइटेड हैं, तो वो इतने खुले दिल के, इतने मेहमान नवाज वहाँ के लोग हैं कि उन्होंने कहा जी सब इनवाइटेड हैं, जो जो यहाँ है आना चाहे वो आ सकता है। फिर हमने देखा कि जिस तरीके से सब जा रहा था, तो बाकायदा जिस तरह जहेज का सामान जाता है वो इन गाड़ियों में लोड होके जा रहा था बहुत खूबसूरत तरीके से, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक ऐसी जगह भी थी जो पंजाब वाला एरिया तो नहीं था, तो पहाड़ी इलाके में ऐसी ही गाड़ियाँ चलती हैं, तो इन्हीं गाड़ियों पर सब लोड होके जा रहा था। और एक मज़े की और बात थी कि जब एक गाड़ी गुजरती थी जिसमें सारे जो बाराती टाइप उस तरह लोग होते थे, तो वो हमें एक्साइटमेंट से देखते थे और हम उन्हें एक्साइटमेंट से देखते थे। वो अपने तरीके से शोर करते थे हमें देख के और हम अपने तरीके से शोर करते थे, तो बहुत अच्छी वाली फीलिंग थी। तो यहाँ आपने देखा होगा आपको सामने आसमान नज़र आ रहा है तो वो बिल्कुल नीले रंग का है, लेकिन यहाँ आज पंजाब में आपको आसमान इस रंग का नज़र नहीं आता। बहुत दिनों तक बारिश होती रहें फिर कहीं जाके एक हल्का सा नीला रंग नज़र आता है, लेकिन इतना साफ शफाफ नीला रंग नज़र नहीं आता। दूसरा ये है कि रात के वक्त भी जब यहाँ देखें आसमान की तरफ तो ढेर सारे सितारे नज़र आते हैं, जो हमें पंजाब में, मुझे बाकी सूबों का तो नहीं पता लेकिन पंजाब में हमें रात को सिर्फ एक या दो सितारे नज़र आते हैं, या हद अगर कभी बहुत ज़्यादा नज़र आने हो तो 8-10 नज़र आ सकते हैं, वरना नहीं आते। सो अपने मुल्क की हिफाजत करें, कचरा ना फेंकें, पोल्यूशन से बचाएँ। अल्लाह ताला ने हमें बहुत प्यारी सरजमीन दी है, लोगों के दूसरे ममालिक में ये चीज़ें वो बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। अल्लाह ताला ने हमारी पूरे मुल्क को ये चीज़ें, कुदरती मनाजिर दिए हैं, इनकी हिफाजत करें, इनका ख्याल रखें, अपने आने वाली नस्लों के लिए इसको इसका ख्याल रखें ताकि लोग आके देख सकें और हमारे मुल्क में टूरिज़्म जो है उसको प्रमोट किया जा सके। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।